इंडियन प्रीमियर लीग मैच जो कि होने वाला है भाई अपना चौथा मैच आरआर वर्सेस लखनऊ जायंट्स, जो कि भाई मैच होने वाला है जयपुर में। और जयपुर में जो लास्ट सीजन मैचेस हुए हैं वो 150 से 180 के बीच में होता है। और ज़्यादातर मैच आपको पता ही है, अभी 3 मैच हुए हैं, जिसने टीम टीम बैटिंग फर्स्ट की है उसके ज़्यादा चांस हो रहे हैं जीतने के। फिलहाल मैं अभी आपको रॉयल चैलेंजर या 11 की तरफ लेके चलता हूँ। देखो भाई, रॉयल चैलेंजर 11 जो कि ओपनिंग करते हुए दिखेगा यशस्वी जायसवाल, और रीसेंट फॉर्म में बता देता हूँ, 4 रन, 68 रन, 60 रन, 0 रन, 21 रन, 37 रन, 6 रन, 53 रन, 21 रन, इससे पता चल रहा है भाई लास्ट T20 मैचेस में क्या इसकी फॉर्म है। तो बहुत ही शानदार फॉर्म है। और सेकंड पे आएगा जोस बटलर, देखो इसका भी T20 में 10 रन, 38 रन, 64 रन, 6 रन, 45 रन, 22 रन, 54 रन, 46 रन और 70 रन। मतलब भाई दोनों का ओपनिंग में ख़तरनाक फॉर्म है। संजू सैमसन का देखेंगे डोमेस्टिक का 0, 108, 12, 29, 128, 35, 1, 15, मतलब हर दूसरी तीसरी इनिंग में इसने शतक मारा भाई, इसका ही फॉर्म अच्छा है। तीसरे नंबर पे आ रहा है, चौथे पे भाई हिट मार रहा है जो कि इसका फॉर्म थोड़ा एवरेज है, 8, 7, 39, 2, 34, 53, 40, मतलब 3 मैच फ्लॉप और 3 मैच में शानदार परफॉर्मेंस। अच्छा बैट्समैन है ध्रुव जुएल भाई, अभी इंडिया के लिए टेस्ट में बहुत शानदार बैटिंग करके आ रहा है। और रीसेंट 2 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस खेले हैं और तीनों मैच में 57, 13, 77, मतलब इससे पता चलता है क्या ही फॉर्म है। रोहन पावल भाई, अभी पाकिस्तान प्रीमियर लीग में इतना मौका मिल नहीं रहा था और मतलब बैटिंग ऑर्डर डाउन था, मगर अच्छी इन्हें फॉर्म में है, देखते हैं 2, 12, 30, 28, 23, मतलब ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है, ना कि ख़राब है ना कि बढ़िया। अब देखो भाई, आर अश्विन जो कि सातवें पे आएगा, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, मतलब ठीक ठाक ही है, ख़राब भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मतलब हर मैच में 1 से 2 विकेट लेके चलेगा। एक खान 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, मतलब हर दूसरे तीसरे मैच में 1 विकेट आपको लेता हुआ दिखेगा एक खान। एस शर्मा, संदीप शर्मा होगा, 1 विकेट, 1 विकेट, 0, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, मतलब हर मैच में आपको 30 से 35 पॉइंट देता हुआ दिखेगा। युविंदर चहल जो कि भाई 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 6 विकेट, मतलब डोमेस्टिक में भाई अच्छा करके आ रहा है, 40 से 50 पॉइंट दे रहा है। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बेंच की तरफ चलते हैं, कुणाल है भाई 69 रन, 0 रन, 66 रन, 1 रन, 23 रन, 19 रन, 35 रन, 27 रन, मतलब भाई ठीक ठाक है, अच्छी फॉर्म में। केपी चंद्र मोर भाई 18, 24, 9, 35, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस। शुहेब 41, 20, 20, 0, 62, मतलब इसका फॉर्म थोड़ा बढ़िया है। रियांग पराग भाई, ये थोड़ा ऑलराउंडर है, मैंने डॉट कर रखा है, जो कि 32 रन, 0.8 रन, 0.12 रन, 0.50 रन, 2 विकेट, 57 रन, 1 विकेट, 72 रन, 1 विकेट, मतलब रिसेंट की जो रियांग पराग की इनिंग है ना, बहुत ही शानदार फॉर्म में। डैन फलरिया जो कि साउथ अफ्रीका का है, 23 रन, 0 विकेट, 24 रन, मतलब इसका फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे है, मगर रियांग पराग का अच्छा है। एन बर्गर जो कि भाई साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, और रिसेंट T20 मुकाबला 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, मतलब 25 से 50 पॉइंट देखे जा रहा है आपको हर मैच में। फिलहाल हम और चलते हैं, जिसके एन बर्गर के बाद नवदीप सैनी 3 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 0, मतलब 4 मैचों में इसने निकाले 8 विकेट, मतलब इससे पता चला नवदीप सैनी कितनी फॉर्म में है। कुलदीप सेन जो कि इसका थोड़ा एवरेज है, 4 में 4 विकेट लेके बैठा है, मतलब 25 से 30 पॉइंट हर मैच में दे रहा है। कोई मुश्ताक है 21 रन, 1, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट। तनुष भाई अभी टेस्ट में अच्छा करके आ रहा है, मगर T20 में ख़राब है। फिलहाल भाई लखनऊ जायंट्स की 11 की तरफ चलते हैं, जो कि अपने पास है किंटर डिगोक, ओपनिंग करता हुआ दिखेगा और रीसेंट फॉर्म भी एवरेज ही है, 3, 23, 20, 16, 6, 83, मतलब एवरेज परफॉर्मर है, मगर ओपनिंग करता है और आईपीएल में अच्छी बैटिंग करता है। केएल राहुल भाई 21 रन, 56 रन,
66 रन 39 रन, मतलब 102। मतलब केएल राहुल का तो फॉर्म भाई T20 में बहुत ही शानदार है, तो लेना ही लेना है। देवधर पडिकल जो कि भाई इसका तो भाई 114 93 70 117 71 59, भाई इसको तो ड्रॉप करना मुश्किल है। मार्कस स्टोनिक का 16 पे 3, 9 9 रन 2 विकेट 38 रन, 1 विकेट 3 विकेट। मतलब मार्कस स्टोनिक और देवधर पडिकल और केएल राहुल, इन तीनों को तो ड्रॉप ही नहीं करना। निकलस पूरन 14 रन 57 रन 36 रन 39 रन 24, मतलब भाई निकलस पूरन भी बहुत ही खतरनाक बोल। आयुष बदोनी इसका भी ठीक ठाक है, 87 रन 1 विकेट 2 विकेट 13 रन 0 विकेट 31 रन 1 विकेट 100 रन 45 रन 1 विकेट। मतलब बदोनी भी ओवर डाले तो ये भी खतरनाक फॉर्म में है। कुणाल पांड्या भाई 49 रन 1 विकेट 45 रन 1 विकेट 8 रन 0 विकेट 7 रन 1 विकेट, मतलब इस ये भाई कुणाल पांड्या भी तगड़े फॉर्म में। नवीन उल हक 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, तो नवीन उल हक ने 4 मैच में 5 विकेट लिए, एवरेज है 25 से 30 पॉइंट देता हुआ दिखे। यश ठाकुर 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, मतलब 4 मैचों में इसने 5 विकेट लिए, मतलब एवरेज। एम खान इसका फॉर्म बढ़िया है, ये आपको 25 से 50 पॉइंट देता हुआ दिखेगा। एम खान 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, मतलब अच्छा है। और लखनऊ की बेंच की तरफ चलते हैं, कालू मेट्स जो कि बांग्लादेश में अच्छा करके आ रहे हैं, 46 रन 1 विकेट 28 रन 1 विकेट 50 रन 2 विकेट 25 रन 0 विकेट 46 रन 2 विकेट, मतलब भाई खेलेगा तो ये भी आपको 1 से 2 ओवर डालता हुआ दिखेगा। इंपॉर्टेंट प्लेयर है हुड्डा, 180 13 77 8 12 और 76, मतलब हुड्डा का भी फॉर्म बढ़िया है। एस्ट्रा टर्नर भाई बिग बैश खेल रहा था, इंजर्ड हो गया था, तो इंजर्ड के बाद आ रहा है तो उतना खास परफॉर्मेंस है नहीं। कृषिता गौतम 6 0, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस। मंडराकर इसका भी 3 विकेट 101 रन 4 विकेट 7 रन। अर्षित इसका भी है भाई, इसका 18 2 9 पे 1 विकेट 108 पे 0 32, मतलब ठीक ठाक ही है। और भाई शिवम मावी 4 मैच में 3 विकेट, एवरेज परफॉर्मेंस है। अमित मिश्रा 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, मतलब 3 मैचों में 5 विकेट लिए। अरशद खान इसका भी ठीक है, युविंदर सिंह ठीक ठाक ही है। मनेंद्र सिंधु इसका भाई 0 2 0, मतलब एवरेज है। मानव यादव का फॉर्म थोड़ा बढ़िया है, स्पिनर है, 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, 4 मैच में आपको 6 विकेट लेता हुआ दिख रहा है। फिलहाल हम टीम की तरफ हेड टू हेड फॉर्म देखेंगे भाई, जो कि 2015 में मैच हुआ है, 15 मई 2022 से मैच हुआ है, जिसमें भाई आर आर ने बनाए 178 20 ओवर में और एल जी आउट हो गए 154 पे 8 विकेट, जिसमें परफॉर्मेंस था यशस्वी जायसवाल 29 पे 41 और संजू सैमसन 24 पे 32, और जो आपका हुआ है 2 विकेट टेड बोल्ट ले गया था और चहल और अश्विन एक एक ले गए थे। हुड्डा ने मारे थे 59 रन, कुणाल ने 25, स्टोनिक ने 27 और आर बिश्नोई है इसने लिए थे 2 विकेट, बदोदी ने 1 विकेट। और 10 अप्रैल 2022 से मैच हुआ था, जिसमें आर आर ने बनाए थे 165 और एल जी ने बनाए थे 162 8 विकेट पे, जिसमें हिटमैन ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी 59 रन, आर अश्विन ने 28, टेड बोल्ट ने 2 विकेट, जोजी चहल ने 4 विकेट, एल के सैन ने 1 विकेट और आपका किंटवेंटी कॉक 32 पे 39, इसका फॉर्म बढ़िया। किंटन डिकॉक ने 32 पे 39, दीपक हुड्डा 24 से 25 और 11 पे 38, स्टोनिक्स कृषिता गौतम 2 विकेट। और 19 अप्रैल को जो मैच हुआ है, जिसमें एलजी ने 154 बनाए, आर आर ने 144, मतलब एलजी जीती है, इसमें केएल राहुल ने 39, के मायर्स ने 51, निकलस पूरन ने 29, मार्कस स्टोनिक्स ने 2 विकेट, यूजी चेयर यशस्वी जायसवाल ने 35 पे 44, जॉस बटलर ने 41 पे 40, आर अश्विन ने 4 ओवर में 2 विकेट और टेड बोल्ट और संदीप शर्मा ने 1-1। फिलहाल भाई टीम की तरफ चलते हैं,
फिलहाल हम टीम क्रिएट करते हैं आरआर और एलजी की। फिलहाल देखो विकेट कीपर में जॉस बटलर, रिसेंट आप लास्ट आईपीएल उठा के देखोगे जॉस बटलर बहुत खतरनाक फॉर्म में था और अच्छा बैट्समैन है, लेना ही लेना है। केएल राहुल भाई एलजी के लिए अच्छी बैटिंग करते हैं, ओपनिंग आता है और अच्छी टेक्निक बैट्समैन करता है। संजू सैमसन फर्स्ट डाउन या चौथे भी खेलेगा और बहुत शानदार बैट्समैन है और रिसेंट तो मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाई दिया। फिलहाल निकलस पूरन का थोड़ा हेड टू हेड में एवरेज है इसलिए मैं ले नहीं रहा। किंटन डिकॉक भी अच्छा बैट्समैन है। फिलहाल यशस्वी जायसवाल लूँगा क्यों लूँगा आपको बताइए, रिसेंट मैंने आपको दिखाया 4 गेम हुए इसमें 2 में 50 बैक टू बैक मारी हुई है। हिट मार एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखा है। देवधर पडिकल ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है इसका रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। और रोवन पावल भी थोड़ा एवरेज है, 20 से 30 रन मार के दे रहा है। के मेल्स भाई रिकॉर्ड बता दिया, खेलेगा तो इम्पोर्टेंस। दीपक हुड्डा उतना खास रिकॉर्ड नहीं है। टॉम कोलर काटमोर अभी उतना परफॉर्मेंस करके नहीं आ रहा, एस्टर टर्नर इंजर्ड के बाद आ रहा है तो उतना मैं भरोसा नहीं दिखाऊंगा। आयुष बदोनी चौथे पाँचे में खेलेगा तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा और 1 से 2 ओवर डलवाते हैं तो और खास रहेगा। फिलहाल ऑलराउंडर की तरफ चलते हैं, अश्विन इसका हेड टू हेड में रिकॉर्ड भी और थोड़ी बहुत आईपीएल में बैटिंग भी ऊपर कर लेता है। कुणाल पांडे आप सबको पता है 5वें सट्टे पे खेलेगा, प्लस 3 से 4 ओवर डालता हुआ दिखेगा। मार्कस स्टोनिन बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर है, बैटिंग प्लस बॉलिंग हेड टू हेड में परफॉर्मेंस करके दे रहा। रियान पराग खेलता है तो ये भी इंपॉर्टेंट रह जाएगा। कृषिता गौतम लास्ट मैच में हेड टू हेड में से 3 मैच में 1 मैच में 2 विकेट ले गया है। डी फरारिया इसका थोड़ा एवरेज है। मंडल है भाई जिसने मैंने दिखाया था 3 विकेट ले गया था, ये अच्छा गेंदबाज है। फिलहाल देखो गेंदबाजी की तरफ चलते हैं, टेट बोल्ट जो कि भाई बहुत ही तगड़े फॉर्म में है और अच्छी गेंदबाजी डाल रहा है। और यूजी चहल भी अच्छे फॉर्म में है, डोमेस्टिक में मैं देख रहा हूँ परफॉर्मेंस कर रहा है, 2 से 3 विकेट लेके जा रहा है। आवेश खान भी अच्छा गेंदबाज है। एडन जाम्पा थोड़ा बाहर है। आर बिश्नोई भी है जो कि हम पिक करेंगे, अच्छा स्पिनर है। संदीप शर्मा 1 से 2 विकेट लेके चलेगा। नवीन हक अच्छी आईपीएल फॉर्म जाती है इसकी, 2 से 3 विकेट 2 ओवर पावर प्ले में 2 डेथ में। एनबर्गर अच्छा गेंदबाज है। एच जोसफ भाई अभी गावा का घमंड तोड़ के आया, अच्छा गेंदबाज है। शिवम माँ भी एवरेज है। अमित मिश्रा जो कि शानदार स्पिनर है, 20 से 30 पॉइंट देता हुआ दिखेगा। एन सैनी भाई नवदीप सैनी ये अच्छा गेंदबाज है। मुशीर खान, यश ठाकुर, कुलदीप सेन, एम खान, मतलब बहुत सारे गेंदबाज हैं अच्छे अच्छे तो फिलहाल मैं अभी बिश्नोई और चहल और बोल्ट को दे रहा हूँ। भाई प्रेडिक्शन टीम तैयार है, मैं कप्तान वाइज के ऑप्शन बताता हूँ। जॉस बटलर, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, कुणाल पांड्या, मार्कस स्टोनिक्स, ठीक है ना। फिलहाल तो अभी मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से यशस्वी जायसवाल और वाइस में बना रहा हूँ केएल राहुल। फिलहाल देखो प्रेडिक्शन टीम तैयार है जिसमें अपने पास जोस बटलर है, केएल राहुल अपना वाइस है, संजू सैमसन है, यशस्वी जायसवाल है, देवधर पडिकल है, आर अश्विन है, कुणाल पांड्या है, मार्कस स्टोनिक्स है, टेड बोल्ट है, यूजी चहल है और बिश्नोई है। फिलहाल गाइस प्रेडिक्शन टीम तैयार है, फाइनल टीम टेलीग्राम पे लाइक और कमेंट के साथ तैयार रहना। मिलते हैं गाइस फाइनल टीम के साथ। ओके।